ये अग्निपथ योजना देश के खिलाफ है, एक साजिश है और हम मानते हैं देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की एक साजिश है। जिस तरह से विरोध, तीखा विरोध आपने देखा, युवाओं में जो आक्रोश आपने देखा, उस आक्रोश का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि उस आक्रोश को देखते उसे अपमानित करें, आप उन्हें आतंकवादी कहें, उन्हें जिहादी कहें। केंद्र सरकार अगर कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बेहतर अच्छी स्कीम है, तो ये स्कीम ये आपको गाँव का कोई स्कीम नहीं है, ये देश की सुरक्षा का स्कीम है। इसको संसद में बहस विमर्श क्यों नहीं करवाया गया? आप एक नौजवान को नौकरी देते हैं और 22 साल की उम्र में उसको बोलते हैं कि आप रिटायर कर जाइए, क्या आप समझ रहे हैं? नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है। बता दें आपको कि जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं युवा, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं लगातार महागठबंधन भी विरोध कर रही है। बता दें आपको कि आज बिहार विधानसभा से पैदल मार्च निकाला गया था राजभवन को लेकर, और विज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ अभी CPIML विधायक महबूब आलम सर हैं। सर, विज्ञापन सौंपने गए थे, क्या कुछ कहिए? विज्ञापन हमने सौंपा है कि जिस तरह से सरकार ने आनन फानन में अग्निवीर के संबंध में संसद में विमर्श के बिना ये जो अग्निपथ योजना है, ये अग्निपथ योजना देश के खिलाफ है, एक साजिश है और हम मानते हैं देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की एक साजिश है और साथ साथ देश के नौजवानों के भविष्य बर्बाद करने की एक साजिश है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। जिस तरह से विरोध, तीखा विरोध आपने देखा, युवाओं में जो आक्रोश आपने देखा, उस आक्रोश का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि उस आक्रोश को देखते उसे अपमानित करें, आप उन्हें आतंकवादी कहें, उन्हें जिहादी कहें, ये देश का अपमान है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया कि आप हमारी भावना को ऊपर तक पहुंचाए और जितने नौजवानों पर मुकदमे हुए, मुकदमे को वापस लिया जाए और जिन छात्रों पर दमन हुआ, दमन के लिए माफ़ी मांगे सरकार, साथ साथ जेल में जो जिन छात्रों को डाला गया उनको रिहा करे और बिना शर्त अग्निपथ योजना वापस ले। लगातार लेकिन सर, केंद्र सरकार कह रही है कि योजना युवाओं के लिए बेहतर है, अच्छी स्कीम है। सर, केंद्र सरकार अगर कह रही है कि युवाओं के लिए बेहतर अच्छी स्कीम है, तो ये स्कीम ये आपको गांव का कोई स्कीम नहीं है, ये देश की सुरक्षा का स्कीम है। इसको संसद में बहस विमर्श क्यों नहीं करवाया गया? आप एक नौजवान को नौकरी देते हैं और 22 साल की उम्र में उसको बोलते हैं कि आप रिटायर कर जाइए, क्या आप समझ रहे हैं पत्रकार होने की हैसियत से कि 22 साल के बाद जवानी ख़त्म हो जाती है उसकी, वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? जिसके दिमाग में ये बात हमेशा भरा रहेगा कि 4 साल के बाद मेरी नौकरी चली जाएगी, 4 साल के बाद नौकरी चली जाएगी, ये आतंकित मानसिकता का शिकार होकर के, भयभीत मानसिकता का शिकार होकर, बेरोजगार होने की जो भविष्य की पूरी ज़िंदगी होने का जो शिकार होने का जो मानसिकता रहेगी, वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? इसलिए तो हम कहते हैं कि सैनिक भर्ती में जो रेगुलर नियम है, रेगुलर आर्मी का, उन्हीं नियम के तहत भर्ती हो और बिल्कुल 40 साल तक एक आदमी बिल्कुल जवान रहता है, पूरी ऊर्जा रहती है, पूरा जोश खरोश रहता है, उसको 9 महीना ट्रेनिंग चला जाता है, आपका 3 महीना छुट्टी चली गई और बाकी 3 साल उसको जब आर्मी में भेजेंगे तो उसके दिमाग में ये बात कौनती रहेगी कि 3 साल के बाद हमारी नौकरी चली जाएगी, पूरी ज़िंदगी हमारी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से भयभीत मानसिकता के साथ देश की सेवा क्या कर सकेंगे? इसलिए हम मांग करते हैं इस योजना को वापस लीजिए और नौजवानों का सम्मान कीजिए, उनसे मुकदमा वापस लीजिए, जेल से रिहा कीजिए और दमन बंद कीजिए और देश से माफ़ी मांगिए। तो आपने सुना, हमारे साथ माले विधायक थे महबूब आलम, क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से इन लोगों ने मुलाकात की है, तमाम महागठबंधन दल के नेता ने मुलाकात की है, वहीं विज्ञापन सौंपा है और साफ साफ कहा है जिस तरीके से तमाम युवाओं को गिरफ्तार किया गया है और जो विरोध प्रदर्शन युवा कर रहे थे उन पर मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसको सरकार वापस ले और जल्द से जल्द तमाम जो युवा गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा करे। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना स्कीम जो आया है उसको लेकर भी लगातार महागठबंधन जो है वो विरोध कर रहा है और महबूब आलम जो थे उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से ये जो स्कीम आया है उसको सरकार वापस ले, क्योंकि देखा जाए तो युवाओं के भविष्य के साथ सरकार जो है वो खिलवाड़ कर रही है। क्या कुछ कहते महबूब आलम आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।